मुंबई से आशीष तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं एसीएस हेल्थ। मुझे एक बात बताइए, डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे आपने, ऊंट के मुंह में जीरे का उदाहरण भी दिया था। सवाल बड़ा यह है कि ये सारी कोशिशें तो सरकार प्रशासन की तरफ से हो रही हैं, लेकिन अब आम आदमी क्या करे, क्या एहतियात बरते, क्योंकि अब तो लैंसेट बोल रहा है कि एयरबॉर्न भी है ये कोरोना। देखिए, ये जो सप्लाई डिमांड गैप है ये फिलहाल अभी कुछ दिन और रहने वाला है। सरकारें कोशिश कर रही हैं लेकिन उसका कुछ नतीजा भी इमीडिएट तो सामने नहीं आ रहा है। तो जब तक ये तकलीफ बनी हुई है या जब तक हम इसका कोरोना का स्केल डाउन ना देखें, ये पीक आने वाली है या आ चुकी है, इसके बाद ये डाउन भी होगी, तब तक अब सबसे ज़रूरी है कि होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में मैनेजमेंट किया जाए। इसके लिए पेशेंट को एक लोकल अपने फैमिली फिजिशियन या जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि होम आइसोलेशन में भी बिना मेडिकल केयर के ये पॉसिबल नहीं है। अपने आप अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करने लगे और अपने तरीके से होम आइसोलेशन में चले जाएं, इससे भी नुकसान है। तो जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको अपने जो पेशेंट हैं, पुराने पेशेंट हैं जिनको भी कोरोना की तकलीफ है, उनका कम से कम टेलीफोनिकली यानी जो टेलीमेडिसिन है उसके थ्रू घर पे ही मैनेजमेंट सुनिश्चित करें। और सरकार को सबसे जरूरी बात यह कि ऑक्सीजन के सिलेंडर छोटे छोटे पोर्टेबल वो अरेंज कराने चाहिए। जब तक हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बन रही है तब तक सिलेंडर घर पर तो अवेलेबल हो, क्योंकि घर पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और जो ऑक्सीजन के सिलेंडर के जो वेंडर्स हैं अभी इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है, इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, एक तो रेंट बढ़ गया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंट ये कम से कम इस पर कंट्रोल हो और इसकी अवेलेबिलिटी जनता के लिए सुनिश्चित करी जाए, भले वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे हो, ताकि जनता भी अपने घर में होल्डिंग ना करने लगे कि एडवांस में ही सिलेंडर खरीद के रख लिया। डॉक्टर अगर जीपी जनरल प्रैक्टिशनर रिकमेंड करता है किसी पेशेंट के लिए कि इसको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो उसको एक नियंत्रित दाम में या नियंत्रित रेंट में वो चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जैसे सरकार ने होटल्स को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, एक हमने सुना कि किसी मंदिर में भी एक आइसोलेशन का सेंटर बन गया है, तो और भी तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सबको सामने आना चाहिए, अपने स्पेसेस देने चाहिए जहाँ पे बेड लगा के जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट हैं उनका कम से कम वहाँ पे इलाज शुरू हो सके। और टेली मेडिसिन से भी मैनेजमेंट हो सकता है अगर एक दो डॉक्टर सेंटर आइसोलेशन के लिए ज्यादा जगह में मिले, जिस जो बात आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है इस पर गौर भी किया जा रहा है, बहुत सी संस्थाएं भी सामने आ रही हैं, इससे ही फायदा होगा। अदरवाइज पेशेंट्स को तकलीफें बहुत आ रही हैं आज की तारीख में, पेशेंट घर पे भी और हॉस्पिटल से क्या हो रहा है कि पेशेंट को उनके घर वालों को कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है जी। पेशेंट की कंडीशन कैसी है ये भी नहीं पता चल ये जो बात आपने कही है डॉक्टर तिवारी, ये बहुत लोगों की चिंता है कि पेशेंट अगर अंदर कोविड वार्ड में है तो उन तक जानकारी नहीं पहुंच रही। डॉक्टर